हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देवोत्वाल और आज सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के साथ साथ देश के 10 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार में तो रेड अलर्ट जारी है। साथ ही राजस्थान के 3 से 4 जिलों में मूसलाधार बरसात दर्ज की गई है। तो हम आपको बताएंगे भाई अगले 24 घंटे में कहां कहां कितनी बरसात होगी, साथ ही पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात हुई है, इसकी बिल्कुल ताज जानकारी। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना। अगर आप हमको जुड़ना चाहते हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट हमसे जुड़ जावे, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं अपने कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। बिहार समेत देश के इन हिस्सों में आज भी मूसलाधार बरसात का अलर्ट, रहे सावधान। जी हां भाइयों, एक तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है, तो वहीं गुरुवार को राजधानी दिल्ली में भी बिन मौसम की बरसात ने लोगों को समस्या खड़ी कर दी है। बारिश का यह सिलसिला 4 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 अक्टूबर को उत्तर भारत, दक्षिणी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बरसात होने की संभावना है। जी हां भाइयों, इन राज्यों में बरसात का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को बिहार में बरसात के असर दिख सकते हैं, साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से लोगों को मुसीबत बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के भविष्यवाणी के मुताबिक शुक्रवार को बिहार, कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में बरसात हो सकती है। इसके अलावा मराठवाड़ा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ आंधी तूफान की संभावना है। तो भाई उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के आसार है। तो भाई जिन भी जिलों के या राज्यों का हमने नाम लिया है, अगले 24-48 घंटों में इन सभी राज्यों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। तो भाई वही बताना चाहते हैं दिल्ली में आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली NCR में हुई तेज बरसात ने मौसम को खुशनुमा जरूर बना दिया, लेकिन लोगों को जल भराव और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। यहां तक कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए विमानों की आवाजाही भी ठप रही। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिरने की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वही आपको बताना चाहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार के पटना जिले में बाढ़ के हालात अब भी बने हुए हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बरसात से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में। तो भाई राजस्थान के अलवर जिले में आज मूसलाधार बरसात रिकॉर्ड की गई है। अलवर जिले में आज सुबह से लेकर शाम तक बादलों की आवाजाही बनी हुई थी, जिसके साथ शाम को अलवर में जबरदस्त बरसात रिकॉर्ड की गई है। वहीं जयपुर में भी बूंदाबांदी रही। वहीं आपको बताना चाहते हैं राजस्थान के 10 जिलों में अब भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जयपुर के समेत जयपुर, अलवर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन सभी जिलों में अगले 24-48 घंटों में जबरदस्त बरसात हो सकती है, तो आप भी सावधान रहे। तो भाई ये थी पूरे देश के मौसम विभाग की ताजा जानकारी। जिन भी राज्यों जिलों का हमने नाम लिया है तो वहां पर आप सावधान रहे तथा इसी प्रकार तो भाई कहना चाहते हो उसमें अपने नाम के साथ अपने जिले या राज्य का नाम तुरंत कमेंट कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसमें आपके जिले या राज्य के मौसम की ताजा जानकारी आपको दे देंगे। इसलिए कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, फटाफट वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सारे दोस्तों यारों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी मौसम की ताजा खबर जान सके। तो भाई वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैंने कोई भी नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज इतना। जय हिंद, जय भारत।